उटर हिमालय वहाँ की कुछ कुछ लाइफ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे की लाइक व्हाट द पीपल वीअर व्हाट दे ग्रो वॉट दे मेक या वॉट फेस्टिवल दे सेलिब्रेट ठीक है कि हिमालयन रीजन में जो लाइफ होती है जो वहां पे जो लोग रहते हैं जो पीपल Uh, जैसे मैंने आपको बताया था कि कि विलेज है ना छोटे-छोटे में वो लोग रहते थे तो वो लोग वहां पे है कौन सा कल्चर फॉलो करते थे कैसे क्लोथ्स पहनते थे क्या चीजें वो ग्रो करते थे और uh, कैसे जो है अपना फेस्टिवल या uh, कौन सा फेस्टिवल दे सेलिब्रेट ओके सो लेट स्टार्ट लाइफ इन द हिमालयन रीजन द फॉलोइंग टेबल हाईलाइट द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन समेट दिन द हिमालय रीजन कुछ कुछ पीपल्स की लाइफ मतलब सबके नहीं बता पा रहा वो तो उसने एक छोटे सी टेबल दी है ठीक है उसमें दो तीन हमें जो स्टेट्स के बारे में बताया कि जो हिमालयन रीजन में जो स्टेट्स हैं उनकी वहां की लाइफ कैसी है सो फर्स्ट इज जम्मू एंड कश्मीर सो जम्मू एंड कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर में वहां पे लोग कैसे कपड़े पहनते थे दे वियर दे वियर फिर फिरान मीन्स लूज गाउन ठीक है एक गाउन पहनते हैं जो कि एकदम लूज सा होता है एंड सलवार ठीक है दैट इज लूज पजामा वहा आप लोगों ने सलमान खान की एक मूवी देखी होगी जिसमें वो एक बच्ची होती है जो गुम हो जाती है तो उसमें एक आ, सीन दिखाते हैं लास्ट में जिसमें वो एक गाउन सा कुछ पहनता है तो वो जम्मू एंड कश्मीर का ही सीन होता है ठीक है जिसमें वॉट उसमें जो सलमान खान जो है क्या पहनता है एक लूज गाउन एंड नीचे लूज पजामा तो जब भी आपको पूछे कि जम्मू एंड कश्मीर के लोग क्या पहनते हैं तो वॉट यू विल से फिरान एंड सलवार फिरान मीन्स लूज गाउन एंड सलवार मीन्स लूज पजामा ना वॉट दे ग्रो वहां पे जो है कौन कौन सी क्रॉप ग्रो होती है दैट इज सेफ्रिन राजमा फ्रूट्स एंड मेज ये जो क्रॉप है वहां पे ग्रो होती है ओके नाउ नेक्स्ट वट दे मेक वो लोग क्या बनाते थे तो दे मेक पेपर मैचे देन शॉल्स क्राफ्ट कार्पेट हैंडीक्राफ्ट ऑफ वुड्स वहां पे जो है शॉल्स कार्पेट और पेपर मैचेस मतलब कुछ आ, पेपर का बना हुआ कुछ चीजें कुछ मटेरियल होती थी वो भी वो लोग लो बनाते थे ठीक है बनाते थे ब्रास एंड सिल्वर ओके नाउ व्हाट दे सेलिब्रेट वो वहां पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ईद एंड शिवरात्रि तो ये आप लोगों का पीछे जो है एक क्वेश्चन भी है ऐसा टेबल रिलेटेड तो आपको पता होना चाहिए कि कौ, कौन से स्टेट में क्या क्या चीजें वेयर करते हैं क्या चीजें ग्रो होती है क्या वो चीजें बनाते हैं कौन सा जो है आ, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ओके नाउ नेक्स्ट इन हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में दे वेयर वुलन कोट्स पजामाज दाजू दाजू मीन्स स्काव्स, टोपी मीन्स कैप ओके सो वहां के लोग ये चीजें पहनते हैं फिर वॉट दे ग्रो राइस मेज बार्ले एप्पल पटेटो ओके सो आपको अगर दे ग्रो में बहुत सारे चीजें क्रॉप लग रही है तो यू कैन लर्न टू टाइप्स ऑफ क्रॉप है ना कि वहां पे वो क्या ग्रो करते हैं तो आप वो चीजें लर्न कर सकते हैं फिर नेक्स्ट वॉट दे मेक वुलन कारपेट रग्स शॉल्स आइटम आइटम्स प्रसिस्ट फ्रॉम फ्रूट एज जो आइटम फ्रूट से बने हुए होते हैं दैट इज जूस क्वेश या जैम ये सब जो है हिमाचल प्रदेश में वो लोग बनाते हैं नेक्स्ट वॉट दे सेलिब्रेट दे सेलिब्रेट एंड दिवाली ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज सिक्किम सिक्किम में क्या वो लोग क्या पहनते हैं बोकू बोकू मीन्स लॉन्ग स्कर्ट देन कलरफुल बीडेड ज्वेलरी जिसमें बहुत सारे कलरफुल बीड होती हैं वो ज्वेलरी वो लोग पहनते हैं नाउ वॉट दे ग्रो दे ग्रो टी मेज वीट कार्डमन so okay? और उनकी जो पेंटिंग है वो लोग वहां पे बनाते थे देन कार्पेट्स आइटम विद वुड कार्विंग वुड की कार्विंग हुई हुई जो है कार्पेट्स वगैरह वो लोग बनाते थे या बनाते हैं ना वॉर्डे सेलिब्रेट दे से जो है बुद्धिस्ट फेस्टिवल इज द फेमस फेस्टिवल ठीक है सिक्किम के जो लोग है वो बुद्धा को बहुत मानते हैं इवन हमने जब फर्स्ट पेज स्टार्ट किया था अबाउट चैप्टर दैट इज माउंटेन एंड प्लेट्यूज हमने उसमें पढ़ा था कि सिक्किम इज फेमस फॉर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए वहां एक फेमस था दैट इज बुद्धा पार्क है ना तो आपको ऐसे याद रखना है कि सिक्किम में बुद्धिस्ट फेस्टिवल इज फेमस क्योंकि वहां के लोग जो है बुद्धा को बहुत मानते थे प्लस वहां पे क्या है एक बुद्धा पार्क भी है जो मेन फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो वहां पे लोग कोई भी अगर घूमने जाते थे तो वो बुद्धा पार्क देखने जरूर जाते हैं वो वहां का फेमस पार्क है ओके नाउ इम्पॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन की नॉर्दर्न माउंटेन जो है इम्पोर्टेंट क्यों है द नॉर्दर्न माउंटेन्स इमेंस इंपॉर्टेंस टू अर्थ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन ये कह रहा है कि नॉर्दर्न माउंटेन जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माउंटेन्स की बात कर रहा है जो माउंटेन्स नॉर्दर्न में है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्यों इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे डू नॉट अलाउ द कोल्ड वेन फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू एंटर इंडिया ठीक है वो क्या है माउंटेन की वजह से जो हमारे जो कोल्ड विंड्स हैं जो सेंट्रल uh, एशिया से आती है इंडिया की तरफ वो उनको वहीं रोक देती है ठीक है जो एयर है वो माउंटेन की बिकॉज माउंटेन रेंजेस इतने हाई होते हैं तो वो एयर जो है वहीं पे जो है उसको रोक देती है उसको अलाउ नहीं करती अगर हमारे यहाँ पे माउंटेनस ही नहीं होंगे तो और हमारे इंडिया में इतना ठंडा एयर कोल्ड एयर आती रहेगी कोल्ड विंड आती रहेगी तो यहाँ पे भी रहना मुश्किल हो जाएगा बिकॉज सारे टाइम में फिर ठंडी पड़ती रहेगी है ना तो नॉर्दर्न माउंटेन क्यों इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो है कोल्ड विंड को इंडिया में एंटर होने से स्टॉप करता है रोकता है या अलाउ नहीं करता है तो दैट्स वाई नॉर्दर्न माउंटेन इज इम्पोर्टेंट फिर नेक्स्ट द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय गिव अस वुड मेडिसिन रेजेंस एंड अदर यूजफुल थिंग अब क्या है हिमालय के जो फॉरेस्ट हैं उनसे हमें बहुत सी चीजें मिलती है इसलिए क्या है वो इंपॉर्टेंट है हिमालया में अगर अगर हिमालयाज ही नहीं होंगे वहां पर फिर फॉरेस्ट भी नहीं होंगे तो फॉरेस्ट से जो चीजें हमें मिल रही हैं हमें वो भी नहीं मिल पाएंगी तो क्या क्या चीजें मिल रही हैं हमें हमें मिल रहा है वुड मेडिसिन रेजिन रेजिन जो है एक एक कंपाउंड होता है या एक सब्सटेंस होता है ठीक है तो अगर ये सब चीजें अगर हिमालयन या नॉर्दर्न माउंटेन्स नहीं होंगे तो वहां पे जो चीजें हमें मिल रही है जो हमारी ये लिए यूजफुल चीजें हैं वो भी हमें नहीं मिलेंगी क्लियर सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स दैट यू हैव टू रिमेम्बर बिकॉज अगर कोई पूछ ले आपसे कि नॉर्दर्न माउंटेन क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं जरूरी है क्या वाई इट इज सो इम्पॉर्टेंट नॉर्दर्न माउंटेन्स है ना तो नॉर्दर्न माउंटेन इज वेरी इम्पॉर्टेंट वाय बिकॉज इट डज नॉट अलाउ कोल्ड कोल टू एंटर इन इंडिया एंड इट गिवस और यू कैन से द फॉरेस्ट ऑफ द हिमालय गिव अस वुड मेडिसिन एंड रेजिन एंड अदर यूजफुल थिंग दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस ओके क्लियर सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्दर्न माउंटेन्स नॉर्दर्न माउंटेन्स में वी है और आउटर हिमालयास इन सब के बारे में हमने पढ़ा था देन वी हैव स्टडीड अबाउट द लाइफ इन द हिमालयन रीजन की हिमालयन रीजन में लोगों की कैसी लाइफ होती है लोग क्या पहनते हैं वॉट डे ग्रो वॉट दे मेक वे सेलिब्रेट ओके

ठीक है किसका घर कहा जाता है भगवान का घर कहा जाता है वहां पे क्या मानना है कि वहां पे भगवान लोग रहते हैं या वास करते हैं मेनी पिलग्रिमेज टाउन सचेज हरिद्वार बिकॉज अब आप देखोगे हिमालयन साइड में क्या है बहुत सारे ऐसी जगह हैं ऐसे टाउन्स हैं ठीक है जहाँ पे सिर्फ क्या है मोस्टली जैसे हरिद्वार हो गया वहां पे वो भी भगवान का घर माना जाता है ऋषिकेश हो गया हेमकुंड साहब हो गया और इसी तरह और भी बहुत सारी जगह है वहां पे हिमालयन रीजन में या टाउन है जिनको क्लियर यहाँ तक सबको यस पिलग्रीमेज मींस मैं आपको बता देती हूँ पिलग्रिमेज मींस जैसे जो तीर्थ यात्रा वाले जो जो एरियाज होते हैं जो रहने जो तीर्थ यात्रा वाले स्थल होते हैं ठीक है उनको जो है पिलग्रिमेज कहा जाता है ओके okay? जैसे जहाँ पे जो लोग है कुछ आ, इन सर्च भगवान के सर्च के भगवान के भगवान को ढूंढने के लिए जाते हैं नेचर की सर्च में जाते हैं बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि जो ये सब टाउन्स हैं उनको होम्स ऑफ गॉड ही बोला जाता है तो यहाँ पे जो लोग हैं बहुत ट्रैवल करते हैं इन सर्च ऑफ गॉड इन सर्च ऑफ नेचर ठीक है तो इसलिए इनको पिलग्री में जिसको तीर्थ यात्रा स्थल भी बोला जाता है ओके सो दीज आर सम इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन क्लियर यस नाउ अनदर सेकंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म सेकंड टाइप ऑफ लैंडफॉर्म हम पढ़ेंगे हमने बहुत सारे टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म पढ़े थे थे. अब से हमने फर्स्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दैट इज नॉर्दर्न माउंटेन नाउ सेकेंड इज पेनेसुलर प्लाटू हमने uh, प्लाटू के बारे में पढ़ा था वी हैव ऑलरेडी स्टडीड वर्ल्ड एक फ्लैट लैंड होता है दैट लुक लाइक टेबल जो एकदम जिसका जो स्ट्रक्चर है एकदम टेबल की तरह दिखता है यू कैन सी ऑन योर पेज नंबर टेन है ना इन थर्ड पिक्चर जिसमें हमें शो किया था कि वॉट प्लेट्यू इज प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड दैट लुक लाइक अ टेबल जो कि टेबल की तरह दिखता है दैट इज कॉल्ड प्लेट्यू प्लेट्यू को जो है टेबल लैंड भी कहा जाता है ओके लेट मी शो यू वन मोर टाइम मैं एक बार और आप लोगों को दिखा देती हूँ व्हाट प्लैट्यू इज सी इन दिस पिक्चर सी दिस इज प्लैट्यू अ फ्लैट लैंड विच इज हैविंग टेबल लाइक स्ट्रक्चर ओके सी अ अट इज अ अड लैंड फ्लैट दैट लुक लाइक अ टेबल इट इज आल्सो कॉल्ड टेबल लैंड आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं कि रेलवे क्रॉसिंग के इधर वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड प्लेट्यू ओके सो इट इज अ अड फ्लैट लैंड दैट लुक लाइक अ टेबल जो कि टेबल की तरह दिखता है इट इज ऑल्सो कॉल्ड

क्लियर की व्हाट इज प्लैट्यूज प्लेट्यूज क्या होते हैं यस नाउ द पेनिनसुलर प्लेट्यू द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स पेनिनसुलर प्लेट्यूज वो प्लेट्यूज हैं जो कि नॉर्दर्न प्लेन के साउथ साइड में अब नॉर्दर्न प्लेन्स भी हमने डिस्कस किया था कि वॉट आर नॉर्दर्न प्लेन्स नॉर्दर्न प्लेन्स जो है लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालय जो कि हिमालय साउथ में है एंड इट हैज फर्टाइल सॉइल जिसके पास जो जो प्लेन में फर्टाइल सॉइल है एंड विच इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर ओके तो नॉर्दर्न प्लेन क्या होते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स वो प्लेन्स uh, होते हैं या वो जगह होती है जहां पे जो है हमें फर्टाइल सॉइल मिलती है एग्रीकल्चर के लिए ओके okay? सो so, इसमें ये वही बात बोल रहा है कि द पेनेंसुलर प्लेट्यू इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ साइड पे जो प्लेट्यूज लोकेट करते हैं वो पेनसुलर प्लेट्यू कहलाते हैं बोथ माउंटेन्स एंड प्लेट्यूज आर हाई लैंड बट अ प्लेट्यू इज अ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म दैट लुक लाइक अ ह्यूज फ्लैट टेबल

कनेक्टेड है बट अ प्लैट्यू इज अ टाइप ऑफ लैंड फॉर्म दुक्स लाइक अटल जो मैंने आपको बताया था कि प्लेट्यू इज लुक लाइक अटल हायर डेन द सराउंडिंग एरिया ऑफन विद वन और मोर साइड विदीप स्लोप इफ यू लुक इन द मैप ऑफ इंडिया वॉट यू विफ यू लुक

जगह या कुछ पार्ट ऑफ इंडिया जो थ्री साइड से वॉटर से कवर्ड है वॉट इज कॉल्ड दे कॉल्ड सी सी यू कैन इन दिस पिक्चर, अ अंसुला इज अ ट्राइंगल पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय अ वॉटर ऑन थ्री साइड ठीक है एक लैंड का जो पीस uh, है वो तीनों चारों तरफ से अगर वॉटर से कवर होता है तो वो उसको क्या बोला जाता है पेनेंसुला ठीक है तो यहाँ पे ये जो एरिया है आपका लेट मी शो यू दिस एरिया ये आपको बॉटम की बात कर रहा है कि ये जो आपका एरिया है ये देखिए इंडिया का जो एरिया है वो इस फर्स्ट साइड सेकेंड देन थ्री वो तीनों साइड से जो है कवर्ड है वॉटर से सो दिस इज कॉल्ड पेनेंसुला ये कौन सा लैंडफॉर्म कहलाएगा पेनेसुला ठीक है हमने एक पिक्चर में भी देखा था कल मैंने आपको एक पिक्चर में भी दिखाया था कि ये पूरा एक वॉटरी एरिया था यहाँ पे ऐसा टर्न हो रहा था पेनेंसुला में है ना तो ये आपका पेनेंसुला है जो आपका लैंड को थ्री साइड से वाटर से कवर करता है दैट इज कॉल्ड पेनेंसुला द प्लेट्यू रीजन स्ट्रेचेस फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया टू द साउदर्न टिप अब जो प्लेट्यू रीजन है वो आपको बता रहा है कि आपका वो कहा से स्टार्ट होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया सी ये रहा आपका प्लेट्यू सेंट्रल पार्ट यानी कि इंडिया के मिड पार्ट सेंट्रल पार्ट से स्टार्ट होता है टू द टिप टिप तक जाता है जिसमें आप देखेंगे ये डेकन प्लेट्यू भी है ठीक है तो ये आपका थोड़ा सा सदर्न पोर्शन की तरफ जाता है इट इज ब्रॉड टूवर्ड्स द नॉर्थ एंड नैरो टूवर्ड्स द साउथ वो क्या है नॉर्थ की नॉर्थ uh, uh, की साइड से थोड़ा ब्रॉड है और साउथ की साउथ uh, की साइड से थोड़ा नैरो है इट इज डिवाइडेड इन टू टू लार्ज पार्ट्स अब ये क्या है दो लार्ज पार्ट्स में डिवाइड करता है एक दूसरे को ठीक है सो टू लार्ज पार्ट्स बाय द रिवर नर्मदा ठीक है नर्मदा जो है इसको डिवाइड कर रही है टू पार्ट्स में द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ ठीक है ये देखिए आपकी थ्री टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज जो हमने पढ़े थे छोटा नागपुर प्लेट्यू मालवा प्लेट्यू नॉर्दर्न प्लेट्यू है ना तो ये कुछ कुछ प्लेट्यूज हैं तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो नर्म नर्मदा रिवर है वो हमारे जो इन प्लेट्यूज है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ठीक है फर्स्ट इज द सेंट्रल हाईलैंड इन द नॉर्थ फर्स्ट कौन सा है हमारा सेंट्रल हाईलैंड अब सेंट्रल हाईलैंड में भी दो टाइप के प्लेट्यूज आते हैं दैट इज मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू ठीक है हमारे जो हमारी जो नर्मदा रिवर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है दैट इज सेंट्रल हाइलैंड इन द नॉर्थ नॉर्थ साइड में जो है सेंट्रल आइलैंड सो सेंट्रल हाइलैंड कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्यूज दैट इज मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू और एक हमारा है डेकन प्लेट्यू इन द साउथ सो दिस थ्री प्लेट्यूज नेम यू हैव टू रिमेम्बर सेंट्रल हाईलैंड इंक्लूड टू टाइप ऑफ प्लेट्यूज दैट इज मालवा प्लेट्यू एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू डेकन प्लेट्यू थर्ड वन इज डेकन प्लेट्यू इन द साउथ ये देखिए ये आपका डेकन प्लेट्यू कैन सी इन दिस पिक्चर दिस इज योर डेकन प्लेट्यू ये आपका पूरा डेकन प्लेट्यू है इस डेकन uh, प्लेट्यू में आपकी थ्री रिवर्स uh, जो है फ्लो होती हुई जाती है कावेरी कृष्णा एंड गोदावरी ओके यस नाउ वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज हमने प्लेट्यूज के जो टाइप्स पढ़े थे सो फर्स्ट इज द सेंट्रल हाईलैंड सो आई टोल्ड यू सेंट्रल हाईलैंड कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज है ना कि इसमें दो टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज आते हैं दैट इज द मालवा प्लेट्यू एंड द छोटा नागपुर प्लेट्यू फाइन ब्लैक सॉइल ऑफ द मालवा प्लेट्यू इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन अब जो मालवा प्लेट्यू में क्या है वहां पे जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है वहां पे जो है ब्लैक सॉइल uh, मिलती है जो कि क्या है विच इज गुड फॉर ग्रोइंग कॉटन शुगर केन एंड ऑयल सीड्स जो कि वहां पे अः uh, क्या क्या कुछ कुछ क्रॉप उगाने के लिए फेमस है मतलब या यूज में आती है हमें दैट इज कॉटन शुगर केन एंड ऑयल सीड्स ठीक है तो ये सब चीजों के लिए हमें ब्लैक सॉइल जो है यूज में आती है इन सबसे क्या है गुड क्रॉप जो है ये गुड क्रॉप जो है ग्रो होती है अच्छे से ग्रो होती है ओके सो so, मालवा प्लेट्यू में जो है ब्लैक सॉइल हमें फाउंड आउट होती है नेक्स्ट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू अब छोटा नाग, नागपुर प्लेट्यू में क्या है छोटा नागपुर प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स वो मिनरल्स वहां पे जो है बहुत तरह के जो है मिनरल यानी कि नेचुरल सब्सटेंस जो अर्थ के नेचुरल सब्सटेंस हैं जैसे कोल सॉल्ट गोल्ड डायमंड वो सब जो है वहां पे पाए जाते हैं है ना देखो यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है द छोटा नागपुर प्लेटू इज रिच इन मिनरल्स रिच मीन्स वहां पे जो है बहुत अच्छे से बहुत अच्छी मात्रा में जो है वहां पे वो मिनरल्स पाए जाते हैं दैट इज कोल आयरन मैग्नीज, बॉक्साइट एंड मीका ओके ये सब मिनरल्स हैं आपके विच यू फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू यो दीज the two इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट द मालवा plateau एंड द छोटा नागपुर plateau बस जिसमें आपको यही चीजें ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज कहाँ फेमस है या जो ब्लैक सॉइल है वो कहाँ पे मिलती है दैट इज इन छोटा नागपुर प्लेट्यू और

सो दिस इज इट अबाउट छोटा नागपुर प्लेट्यू एंड मालवा प्लेट्यू नाउ थर्ड वन एंड द लास्ट वन इजन प्लेट्यू यस दिन प्लेट्यू इज ऑल्सो रिच इन मिनरल वो क्या बोल रहे हैं कि डेकन प्लेट्यू जो है वहां पे भी बहुत सारे मिनरल्स जो है हमें मिलते हैं अर्लियर मोस्ट ऑफ द गोल्ड इन इंडिया केम फ्रॉम कोलार गोल्ड माइन्स अभी क्या बोल रहा है कि इंडिया में जो गोल्ड आता था वो मोस्ट ऑफ द जो गोल्ड आता था यानी कि जो सोना आता था वो कहां से आता था कोलार गोल्ड माइन से कौन सी माइन से आता था कोलार गोल्ड माइन विच इज इन कर्नाटका जो कहाँ पे है कर्नाटका में इन द डेकन प्लेट्यू डेकन प्लेट्यू कर्नाटका में है ओके okay? क्योंकि वहां पे अब बिकॉज डेकन प्लेट्यूज वगैरह वहां पे जो कर्नाटका साइड है वहां पे जो है दैट वो टेबल लाइक लैंड वहां पे अवेलेबल है तो बिकॉज प्लेट्यू जो है वो बहुत ही रिच है मिनरल्स वगैरह में तो कर्नाटका में क्या होता था गोल्ड जो है मोस्ट ऑफ द जो गोल्ड है वहीं से ही हमें आता था जस्ट बिकॉज वहां के जो प्लेट्यूज थे वहां पे वो वो सब वहां पे उस सॉइल में या उस लैंड में ऐसी चीजें इन्वॉल्व थी या ऑलरेडी थी वहां पे जो हमें हेल्प करता था या हमें जहाँ से जो है गोल्ड हम लोग निकाल सकते थे डिग कर सकते थे ठीक है वहां पे ऐसी वहां पे एक माइन थी जिसका नाम है कुलार गोल्ड माइन ओके द अदर स्टेट दैट आर लोकेटेड इन द डेकन प्लेट्यूज और भी कुछ स्टेट जो लोकेट करते हैं डेकन प्लेट्यू की साइड में दैट इज महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ठीक है तो कौन कौन से डेकन प्लेट्यू के साइड में और कौन कौन से स्टेट्स जो हैं लोकेट करते हैं वहां पे और कौन कौन से स्टेट्स हैं दैट इज महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु ओके नाउ जॉक फॉल्स द हाइस्ट वाटर इन इंडिया इज लोकेटेड इन कर्नाटका दिस इज इंपॉर्टेंट कि हाइएस्ट वॉटरफॉल इन इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है और उस हाइएस्ट वॉटर का क्या नाम है तो दैट इज जॉक फॉल जॉक फॉल इज द हाइएस्ट वॉटरफॉल ये आप पिक्चर में देख सकते हैं कर्नाटका वो भी कहाँ पे लोकेट करता है कर्नाटका में एंड मोस्ट ऑफ द गोल्ड जो है कहाँ से जाता था इंडिया में दैट इज ऑल्सो फ्रॉम कर्नाटका ओके सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डेकन प्लेट्यू Deccan plateau jo hai, that is rich in mineral. Most of the gold uh, in India came from Karnataka, which is located in the Deccan Plateau. Some other states are also located in Deccan Plateau, that is Maharashtra, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Then what is the uh, name, the highest waterfall in India, which is located in Karnataka? That is Jog Falls. Okay. So these are the some importance of Deccan Plateau. ठीक है नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द लाइफ इन हिमालयन रीजन जब हमने हिमालयन रीजन या नॉर्दर्न माउंटेन के बारे में पढ़ा था तो वी हैव हैल्सो डिस्कस्ड अबाउट द लाइफ कि वहां के लोग जो है क्या पहनते थे वॉट दे वेयर वॉट दे ग्रो वॉट दे मेक वॉट दे सेलिब्रेट है ना तो सेम विद द लाइफ इन पेनिसुलर प्लेट्यू कि जो इन प्लेट्यूज में इन जगहों पे जो लोग रहते हैं वो वो जो है क्या ग्रो करते हैं वॉट दे मेक व्हाट दे सेलिब्रेट ठीक है so life in peninsular plateau the following table highlights a few important facts about the life of people living in some state some of the states that are located in the plateau region the now what they are talking about they are talking about the life of people living in uh, the plateau region Jolog who jo have plateau region plateau means a type ka land hoya land form hoya just mountains is a different type of landform. वैसे ही प्लेट्यूज आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म अब वहां का इन्वायरमेंट वहां का जो जो कल्चर होगा वहां पे जो लोग का रहना होगा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द माउंटेन और माउंटेन का जो इन्वायरमेंट होगा दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेट्यूज सो इसलिए जो हर जगह का अलग अलग uh, कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स होते हैं या कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट क्रॉप्स दे ग्रो डिफरेंट थिंग्स दे मेक सो बिकॉज ऑफ दे आर लैंड फॉर्म्स और लैंडफॉर्म्स डिफरेंट होगा तो वहां पर एनवायरमेंट भी डिफरेंट होगा ओके सुनाओ फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र महाराष्ट्र में वेन सिटीज दे इंक्लूड दट इज मुंबई पुणे एंड नागपुर सो वे ग्रो इन महाराष्ट्र दे ग्रो कॉटन शुगर केन ग्राउंड नट्स मैंगोव एंड ऑरेंज बहुत से लोगों ने सुना भी होगा अबाउट द मैंगोव कि पुणे के जो आम है वो बहुत फेमस है है ना सो यू कैन लर्न मैंगोज एंड ऑरेंज ठीक है अबाउट महाराष्ट्र की महाराष्ट्र में ये दो चीजें जो है लोग बहुत अच्छे से वहां पे बहुत सारी ग्रो होती है ओके देन वॉट दे मेक दे मेक फिल्म मुंबई में क्या होता है फिल्म सिटी है सो वॉट दे मेक फिल्म टेक्सटाइल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ठीक है देन वर्थ डे सेबरेट ऑब्वियसली अगर आपने देखा होगा बहुत सारे टीवी सीरियल्स में इवन मूवीज में कि वो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट क्या कौन सा फेस्टिवल करते हैं दैट इज गणेश चतुर्थी है ना वो लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट से करते हैं नेक्स्ट इज आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश वट सिटीज दे इंक्लूड दैट इज हैदराबाद एंड विशाखापटनम ठीक है यहाँ पे ये दो सिटीज आती है दैट इज हैदराबाद एंड विशाखापटनम और भी सिटीज होती हैं आंध्र प्रदेश में बट दे आर टॉकिंग अबाउट द मेन सिटीज है ना सो व्हाट दे ग्रो दे ग्रो राइस टबैको शुगर केन एंड ग्राउंडनट ओके एंड व्हाट दे मेक दे डू बिद्री वर्क कंप्यूटर्स एंड ऑटोमोबाइल्स क्लियर बिद्री इज एन uh, बिद्री का मैं मतलब आपको बता देती हूँ बिद्री इज टाइप ऑफ एन क्राफ्ट होता है इट्स कंसिस्टिंग ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर ऑब्जेक्ट्स है ना जो गोल्ड एंड सिल्वर से कुछ ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम लोग डेकोरेट करते हैं सो दैट इज बिद्री वर्क कंप्यूटर्स यू नो ऑटोमोबाइल्स यू नो ओके ना नेक्स्ट इज वॉट दे सेलिब्रेट दे सेलिब्रेट दशहरा एंड ईद वहां पे जो है दशहरा और जो ईद है वो बहुत अच्छे से बनाया जाता है यस yes, अगर किसी को ऑटोमोबाइल्स में नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कार वगैरह वगैरह या मोटर कार वगैरह सो दीज आर कम्स इन ऑटोमोबाइल्स ओके अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो यस नाउ नेक्स्ट इज झारखंड ओके व्हाट आर द मेन सिटीज इन झारखंड दैट इज रांची जमशेदपुर एंड बोकारो झारखंड की जो मेन सिटीज हैं व वो कौन कौन सी सिटीज है दीज आर रांची जमशेदपुर एंड बोकारो नाउ वॉट दे ग्रो दे ग्रो राइज ठीक है नाउ वॉट दे मेक दे मेक स्टील माइनिंग एंड पावर यहाँ पे ये सब चीजें जो है वो लोग बनाते हैं एंड वॉट दे सेलिब्रेट दे सेलिब्रेट होली एंड दिवाली क्लियर सो दिस इज द लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन द Plateau reason. Okay. So now that's all. This is our chapter. Okay, there is one more topic that is importance of the peninsular plateau. It's okay. This we will discuss in tomorrow class. Okay. So what you have to do today is you have to read the chapter. You have to read about the peninsular plateau. Then we will clear your doubts and लास्ट टॉपिक दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पेनसुलर प्लेट्यू हमने पढ़ा था कि नॉर्दर्न माउंटेन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज ऑफ द फॉलोइंगर प्लेट्यू की इसके भी कुछ रीजन है कुछ इम्पोर्टेंस हैं ओके सो चलो हम आज ही देख लेते हैं कि वॉट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू सी

मिनरल्स फाउंड आउट होते हैं बहुत तरह के वहां पे हमें बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं दैट इज कोल मैग्नीज आयरन हमने ये सब पढ़े थे चीजें तो हमें ये सब चीजें मिलती है प्लेट्यू रीजन में दैट इज वाई प्लेट्यू रीजन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट हैज लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज इन द रीजन जिसकी वजह से क्या हुआ था अब लोगों को ये मिनरल्स फाउंड आउट करने थे तो ये मिनरल्स ऐसे ही तो नहीं मिल जाते कुछ खुदाई करने पे ही मिलते हैं तो इससे क्या हुआ दिस लेट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ मेनी इंडस्ट्री जिसकी वजह से क्या हुआ बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप हुई ठीक है इंडस्ट्री बिकॉज मिनरल मिनरल जब हमें हमें मिलता है तो हमें उस mineral को अच्छे से पहले तो खुदाई करके निकालना पड़ता है देन हमें उसको थोड़ा सा साफ करना पड़ता है तभी वो हम तक मिनरल्स पहुंचते हैं तो ये जो पूरा प्रोसेस है इस प्रोसेस के लिए क्या हुआ बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप हो गई सो दैट्स सो ए प्लेट्यू रीजन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज रिच इन मिनरल एक तो वो मिनरल बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं प्लस इस मिनरल्स को बनाने का या जो इस मिनरल को बनाने की जो प्रोसेस है उस वजह से क्या हुआ था इट्स लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मेनी इंडस्ट्रीज जिसकी वजह से क्या हुआ था बहुत सारी इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हुई थी नेक्स्ट डैम बिल्ड्स ऑन द रिवर ऑफ दिस रीजन प्रोवाइड वाटर फॉर क्रॉप्स जो डैम्स वगैरह है वो भी बनाए गए थे जिसकी वजह से क्या होता था जो क्रॉप्स को है पानी मिलता था प्लस जो है इलेक्ट्रिसिटी का जो भी है वो भी प्रोड्यूस होती थी बिकॉज ऑफ दिस वॉटर तो डैम्स भी बनाए गए थे सो दैट्स वाई प्लेटि रीजन इज इम्पोर्टेंट नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंट क्रॉप सच कॉटन ऑयल सीड ग्रो वेल इन द्लेट्यू रीजन और प्लेट्यू रीजन में जो कॉटन uh, और ऑयल सीड्स हैं वो भी बहुत अच्छे से जो है ग्रो करती हैं ठीक है बिकॉज ऑफ देयर इन्वायरमेंट वहाँ का जो इन्वायरमेंट है या वहाँ पे जो सॉइल प्रेजेंट है वो क्या करती है अच्छे से क्रॉप्स हमें प्रोवाइड करती है क्लियर नाउ अवर सेकेंड चैप्टर इज कम्प्लीटेड तो कल आप